हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर हिमानी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स इन दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्रा। टॉपिक ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए क्या कदम हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने जितने भी स्टेप उठाए हैं पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए, निर्धनता को दूर करने के लिए, क्या वो सक्सेसफुल रहे हैं या नहीं रहे हैं, उनको हम इवैल्यूएट भी करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी सजेशंस देंगे कि हम अपनी कंट्री से पॉवर्टी को कैसे एलिवेट कर सकते हैं, निर्धनता को कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, निर्धनता को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। हम इन मेजर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सरकार ने रोजगार को बढ़ाने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए। अगर रोजगार का स्तर बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा, लोगों के अर्निंग के सोर्सेज होंगे, वो पैसे कमा पाएंगे और पॉवर्टी एलिवेट हो जाएगी। सेकेंड है प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट। प्रोडक्टिव एसेट से रिलेटेड, उनको एक्वायर्ड करने से रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाए। अगर कंट्री में प्रोडक्टिविटी का लेवल इंक्रीज होता है, नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी और पॉवर्टी रिमूव हो जाएगी। और थर्ड में कुछ अदर प्रोग्राम्स, इन दोनों के अलावा जो और प्रोग्राम गवर्नमेंट ने रन किए हैं पॉवर्टी एलिवेट करने के लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हम अपना सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अडॉप्ट करती रहती है। सबसे पहली योजना या सबसे पहली स्कीम जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी वो थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए लोग अपना काम खोल सकें, अपना रोजगार खोल सकें और पॉवर्टी रिमूव हो, इसके लिए सबसे पहला प्रोग्राम विलेजेस के लिए स्पेशली 1999 में लॉन्च किया गया, शुरू किया गया। इस प्रोग्राम के तहत स्मॉल एंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश करने के ऊपर जोर दिया गया कि रूरल एरिया में छोटे छोटे उद्योग धंधे लार्ज नंबर में इस्टेब्लिश किए जाने चाहिए। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के हेल्प से, कलेक्टिव बेस से ये एंटरप्राइजेस जो हैं वो अपना वर्क करेंगी कलेक्टिव बेस के ऊपर। 2011 और 12 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया गया, उसमें कुछ चेंजेस किए गए और उसका नाम बदलकर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया। इस स्कीम को आजीविका भी कहा जाता है। ईयर 2016-17 के एंड तक जो आपका यही स्कीम, जिसका अब नाम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसने इतना एक्सपेक्ट था कि वो 90 लाख पर्सन को रोजगार प्रोवाइड करेगी, 90 लाख पर्सन को रोजगार उससे मिलेगा। सेकेंड स्कीम है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY। इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव था कि रूरल एरिया में लोगों को रोजगार के अवसर देना, उन्हें फूड की सिक्योरिटी देना, कम्युनिटी इकोनॉमिक और सोशल एसेट को डेवलप करना, कंट्री में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है जैसे रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इन सबको डेवलप करना। और इसका टारगेट था कि लेबर को 100 करोड़ मैंडेट्स क्रिएट करना ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके। और इस प्रोग्राम में वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मनी की फॉर्म में लेबर को वेजेस नहीं दिए गए बल्कि उनको फूड ग्रेन की फॉर्म में वेजेस दिए गए। इस प्रोग्राम में कई प्रोजेक्ट भी चलाए गए जैसे कि रोड्स बनाना, वेल्स को बनाया गया, टैंक्स बनाए गए, रिवर के किनारे बनाए गए, इन सब प्रोजेक्ट को भी इसी के थ्रू किया गया ताकि कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले और साथ ही साथ पॉवर्टी खत्म हो जाए। फिर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। गवर्नमेंट नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को
कंट्री के 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट पिछड़े हुए जिलों में इसे लागू किया गया। इस प्रोग्राम में भी जो वेजेस पे किए जाते थे वो फूड ग्रेन की फॉर्म में, अनाज की फॉर्म में दिए जाते थे। और इस स्कीम का मेन एम था रूरल पर्सन तक इस प्रोग्राम को पहुंचाना, ताकि रूरल पर्सन जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं उनको पॉवर्टी से बाहर निकाला जा सके। नेक्स्ट है स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग जो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, इनमें एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का ज़्यादा पोटेंशियल होता है। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाती है ताकि हमारी स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें। इसके लिए उनको टैक्स में छूट दी जाती हैं और कई तरह के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। फिफ्थ है हमारी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। जैसे हमने सबसे पहली पढ़ी स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, तो नेक्स्ट है शहरी रोजगार। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये अर्बन एरिया में जो अनएम्प्लॉयड पर्सन थे उनको रोजगार देने से रिलेटेड थी। इसके दो प्रोग्राम इस प्रोग्राम के अंडर चलाए गए। पहला प्रोग्राम था अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और सेकंड था अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में एक पर्सन अपना वर्क, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता था और प्रॉफिट कमा सकता था, लेकिन अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में एक पर्सन अपने एम्प्लॉयमेंट को अपना कोई रोजगार अडॉप्ट कर सकता था, जिसके बदले उसको वेजेस या फिर सैलरी पे कर दी जाती। 2013 में इसका भी नाम चेंज करके नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया। नेक्स्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा जिसे कहा जाता है शॉर्ट में। गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को 2005 में स्टार्ट किया था। 2006-07 में इस प्रोग्राम को कंट्री के 200 डिस्ट्रिक्ट 200 जिलों में लागू कर दिया गया और इसमें ये गारंटी दी गई कि एक पर्सन को कम से कम 100 डे का वर्क दिया जाएगा और अगर उसे वर्क नहीं मिलता रूरल एरियाज में, अगर उसे वर्क नहीं मिलता तो उसे 100 डे के बराबर जो भी वेजेस बनते हैं वो पे किए जाएंगे। 2016-17 में कंट्री के 5.08 करोड़ हाउस होल्ड को इस मनरेगा स्कीम के तहत जॉब प्रोवाइड करवाई गई। इन स्कीम्स के अलावा सेकंड हमारी आ जाती हैं प्रोग्राम रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट, मतलब कंट्री में प्रोडक्टिव एसेट ऐसी मशीनें, ऐसी कैपिटल बढ़ाई जाएं जो कि प्रोडक्टिव हों। इसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट करी। सबसे पहली थी डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग तरह का हो। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम को 1972 में लागू किया गया। ये स्कीम पुअर पर्सन जब लोन लेता है तो उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट पे करता है उससे रिलेटेड थी। उस पर्सन के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत लो फिक्स किया गया 4%। इस स्कीम में ये वो फिक्स किया गया कि एटलीस्ट लोन का जो 2/3 अमाउंट है वो रूरल पुअर को दिया जाएगा और वो पर्सन उससे अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खोल सकता है, अपना रोजगार कोई भी शुरू कर सकता है, जिससे उसकी इनकम बढ़ेगी और पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। सेकेंड थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इस स्कीम को 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया। इस स्कीम में विलेजर्स को स्पेशली मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल खरीदने के लिए या कुछ और प्रोड्यूसिंग एसेट खरीदने के लिए लोन, कंसेशनल लोन प्रोवाइड किए जाते थे। कम इंटरेस्ट के ऊपर उनको लोन दिए जाते थे। थर्ड कंसेशनल लोन टू स्टार्ट कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री। अभी हमने पढ़ा कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि यहाँ इनमें लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। तो गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल और विलेजेस और कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए भी कंसेशनल लोन प्रोवाइड करती है।
नेक्स्ट है अदर प्रोग्राम्स फॉर एलिवेटिंग पॉवर्टी. पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए, रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ और भी प्रोग्राम्स चलाए, जिनमें सबसे पहला है मिनिमम नीड प्रोग्राम, न्यूनतम जरूरत पूरा करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया, लोगों के पुअर पर्सन के लिविंग स्टैंडर्ड को प्रमोट करने के लिए और वो पर्सन अपनी मिनिमम नीड्स को पूरा कर पाएं, इसके लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया. इस प्रोग्राम में कई एरिया कवर किए गए, जैसे प्राइमरी एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, रूरल हेल्थ, रूरल वाटर सप्लाई, रूरल रोड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल हाउसिंग फैसिलिटी, इकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो अर्बन स्लम्स में, अर्बन एरिया में जो झुग्गी झोंपड़ी में लोग रहते हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव किया जाए, इन सब के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया. सेकेंड है 20-पॉइंट प्रोग्राम, जिसे 20 सूत्री कार्यक्रम भी कहा जाता है. इसे 1982 में लॉन्च किया गया था और इसमें 20 पॉइंट्स रखे गए जिनके ऊपर ध्यान दिया गया और उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश की गई, जिनमें से कुछ एक पॉइंट थे फिक्सिंग मिनिमम वेज फॉर एग्रीकल्चर वर्कर, एग्रीकल्चर में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम वेजेस फिक्स कर दिए गए, प्रोविजन ऑफ हाउसेज इन रूरल एरिया में लोगों को घर दिए जाएंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन डिपो पे उन्हें सस्ता अनाज दिया जाए, बॉन्डेड लेबर नहीं होनी चाहिए, कोई बंधुआ मजदूर नहीं होना चाहिए, इरिगेशन की फैसिलिटीज एंड सो ऑन, इस तरह के 20 प्रोग्राम्स को इस स्कीम में शामिल किया गया. थर्ड थी अन्नपूर्णा योजना. अन्नपूर्णा योजना फूड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाई गई, स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए. इसमें एक सीनियर सिटीजन जो कि पॉवर्टी लाइन से बिलो है, जो कि निर्धनता रेखा में आता था, उसे हर महीने 10 किलो अनाज दिया जाने लगा. नेक्स्ट, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. सोसाइटी को सोशल असिस्टेंस देने के लिए, सहायता देने के लिए जो प्रोग्राम चलाए गए, ये 3 प्रोग्राम थे. इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नाम से ही पता चल रहा है कि जब पेंशन है तो वो 60 से अब वाली एज को दी जाएगी. इस स्कीम में जो पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन थे उन्हें 400 रुपीज पर मंथ की पेंशन दी जाने लगी. सेंट्रल गवर्नमेंट इस पेंशन का 300 देता था और बाकी का जो पार्ट था वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता था. सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशली बीपीएल जो विडोज थी उनको भी 300 रुपीज पे करने स्टार्ट करे. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम भी स्टार्ट करी बीपीएल पर्सन के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते थे और उनमें किसी ना किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी, विकलांगता थी और वो 18-59 के एज ग्रुप में थे जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते थे, उन पर्सन को भी 300 रुपये महीने की पेंशन दी जाने लगी. सेकेंड, अटल पेंशन योजना. ओल्ड एज के लोगों के लिए जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई 2015 और 2016 में. कोई भी पर्सन जो 18 से 40 ईयर का था वो इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता था और ये गारंटी थी कि मंथली पेंशन उस पर्सन को 1,000 और 5,000 के बीच में दी जाएगी जब वो पर्सन 60 की एज को अचीव कर जाएगा. नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम. इस स्कीम में अगर किसी फैमिली के ब्रेड अर्नर की, जो कमाने वाला पर्सन है, उसकी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है और वो पर्सन 18-64 की ईयर के बीच में था, तो उस फैमिली को 20,000 रुपीज एक लम सम अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है. फिफ्थ है आम आदमी बीमा योजना. 2007 में आम आदमी बीमा योजना को गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया बिलो पॉवर्टी लाइन और जो मार्जिनली अब पॉवर्टी लाइन पीपल थे उनके लिए, लेकिन वो पर्सन 18-59 की एज के होनी चाहिए. इस योजना में जो फैमिली का हेड था या एक ऐसा पर्सन जो कि अर्नर है, जो कि पैसा कमाता है, उसका इंश्योरेंस कर दिया जाता है. उस इंश्योरेंस का 50% का जो प्रीमियम है जो कि 200 रुपीज पर पर्सन बनता है पर ईयर का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है और बाकी का 50% स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है. इन केस उस पर्सन की जो कि ब्रेड अर्नर है या जो फैमिली का हेड है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में नेचुरल डेथ के केस में 30,000 और किसी एक्सीडेंटल डेथ की वजह से 37,500 रुपीज फैमिली को पे किए जाते हैं. देन अंत्योदय अन्न योजना. इस स्कीम में एक फैमिली को जो कि पुअर फैमिली है उन्हें
वीट 2 रुपए के किलो के हिसाब से और जो चावल है वो 3 रुपए पर केजी के हिसाब से उन फैमिलीज को सब्सिडाइज रेट पे दिए जाते हैं। इस स्कीम में फूड ग्रेन का मिनिमम फिक्स कर दिया कि एक फैमिली को 35 किलो जो फूड ग्रेन है वो दिया जाएगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन शॉप पे उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS BPL फैमिलीज जो कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत नहीं आती थी उनके लिए स्कीम को शुरू किया गया और ऐसी फैमिलीज जो बिलो पॉवर्टी लाइन है पर अंत्योदय योजना में नहीं आई उन्हें 35 केजी फूड ग्रेन दिया जाएगा। लेकिन उसका रेट अलग था, गेहूँ वीट ₹4.15 पर केजी एंड राइस ₹5.65 पर केजी। भारत निर्माण योजना 2005-06 में गवर्नमेंट ने भारत निर्माण योजना को स्टार्ट किया। इस स्कीम में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए रूरल एरिया में अधोसंरचना को बढ़ाने के लिए पैसे खर्च किए गए। रूरल एरिया में कनेक्टेड रोड होनी चाहिए, हर विलेज के अंदर टेलीफोन कनेक्टिविटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो और रूरल हाउसेज हों, इरीगेशन की फैसिलिटी हो। मतलब एक भारत का निर्माण करना, रूरल एरिया का निर्माण करने के लिए इस योजना को चलाया गया। देन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इस योजना को 1 अप्रैल 2008 में स्टार्ट किया गया और इस योजना में हेल्थ केयर के लिए 30,000 का फंड प्रोवाइड करवाया जाता था बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले उन पर्सन को जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। और इस योजना का 750 पर फैमिली पर ईयर का जो भी खर्च था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बॉन्ड किया गया, उठाया गया और बाकी का जो शेयर था वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब ये रेशियो डिवाइड कर दिया गया 75:25। इस योजना में स्मार्ट कार्ड इशू किए गए बेनिफिशियरी को और कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए हेल्थ केयर में स्पेशली इस योजना को चलाया गया। देन इंदिरा आवास योजना और राष्ट्रीय आवास योजना, जब आवास योजना की बात की जाती है तो इसका मतलब ये हाउस से रिलेटेड होगी, हाउसिंग से रिलेटेड होगी। इस योजना का ऑब्जेक्टिव था IAY का, इंदिरा आवास योजना का, कि BPL बिलो पॉवर्टी लाइन जो रूरल हाउस होल्ड हैं उनके घरों की कंस्ट्रक्शन की जाए और उन्हें अपग्रेड किया जाए BPL फैमिली के लिए, विडोज के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, लेकिन ये रूरल एरिया से बिलोंग करने चाहिए। और इसका शेयर भी कैसे डिवाइड किया गया, 75% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी एंड 25% स्टेट गवर्नमेंट। 2014-15 में 16.77 लाख हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए गए इस योजना के तहत। फिर राजीव आवास योजना, इसे लॉन्च किया गया स्पेशली अर्बन पुअर फैमिली के लिए। जो इंदिरा आवास योजना थी वो रूरल के लिए थी, लेकिन राजीव आवास योजना अर्बन पुअर फैमिली के लिए की गई। और 2016-17 में गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना को भी स्टार्ट किया जिसका लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक हर पर्सन के पास अपना घर होगा। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, इस स्कॉलरशिप में 1 लाख स्कॉलरशिप हर साल दी जाती हैं जिनमें से कुछ बच्चों को जो कि 9th to 12th क्लास के हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है और पर एनम उन्हें 6,000 रुपीज की स्कॉलरशिप दी जाती है। स्पेशली इस स्कीम का बेनिफिट इंटेलिजेंट पुअर स्टूडेंट्स को मिलता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट को कंट्री में लोगों को फूड की सिक्योरिटी देने के लिए गवर्नमेंट ने 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को स्टार्ट किया। इस एक्ट के तहत 5 kg फूड ग्रेन एक पर्सन को 1 महीने में दी जाएगी कंसेशनल रेट के ऊपर और प्रायोरिटी उन हाउस होल्ड को दी जाएगी जो पुअर हैं, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। फूड ग्रेन का रेट राइस ₹3 पर kg, वीट ₹2 पर kg एंड जो कोर्स ग्रेन मोटा अनाज जैसे ज्वार बाजरा ये ₹1 पर kg के हिसाब से फिक्स किया गया। पुअर हाउस होल्ड जो कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड थे जिनको इसके अंदर रखा गया उनको स्पेशली इसी रेट के ऊपर ये देने का वादा किया गया सरकार की तरफ से। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम,
गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को 1 जनवरी 2013 में स्टार्ट किया कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में। इस स्कीम में गवर्नमेंट जो भी सब्सिडी देती थी, ओल्ड एज पेंशन देती थी या मनरेगा के वर्कर को वेजेस देती थी, वो फिक्स किए गए कि डायरेक्ट लोगों के आधार नंबर जो उनके बैंक अकाउंट से लिंक्ड हैं तो उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट उस पैसे को ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे फंड का जो लीकेज होती थी, कई करप्शन की वजह से कई ऑफिसर फंड को सही पर्सन तक नहीं पहुंचने देते थे, उसे खत्म किया जा सके और कॉस्ट को भी रिड्यूस किया जा सके। देन विलेज ग्रेन बैंक स्कीम, गवर्नमेंट ने विलेज ग्रेन बैंक स्कीम को उन एरिया के लिए किया जो डेजर्टेड थे, जहाँ पे ड्रॉट सूखा पड़ता था, या जो हिली एरिया थे या ट्राइबल एरिया जहाँ पे लोगों को टाइम पे फूड ग्रेन नहीं मिल पाता था, वहाँ पे फूड ग्रेन बैंक बना दिया गया। और इसका एम ये था कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जब कोई प्राकृतिक विपदा आती है, नेचुरल कलेमिटी आती है या एग्रीकल्चर का नहीं है, तो पुअर पर्सन जो है वो उस बैंक से फूड ग्रेन को उधार ले सके। देन प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में स्टार्ट की गई। इस योजना का पर्पस था कि हर घर के पर्सन के बैंक अकाउंट होने चाहिए। इस स्कीम में वन बैंक अकाउंट हर हाउस होल्ड का ओपन किया गया और अकाउंट होल्डर का 1 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी किया गया। जन सुरक्षा योजना, गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को प्रोवाइड किया कि एक पर्सन जिसका एक पर्सन का 2 लाख रुपीज़ का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाया जाएगा और वो पर्सन सिर्फ 12 रुपये एक साल के पे करेगा, जिसकी वजह से उसका 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस हो जाएगा। और जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर जिनकी एज 12 टू 70 इयर्स की थी, उन पर्सन के ऊपर ये स्कीम एप्लीकेबल है। और अगर मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट की वजह से उस पर्सन की में कुछ डिसेबिलिटी आ जाती है, तब भी ये 2 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है ये उस पर्सन को पे किया जाएगा। कुछ अदर स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने चलाई, जैसे कि ड्रॉट वाले एरिया जहाँ सूखा पड़ता है या कोई रेगिस्तान है या जहाँ कोई नेचुरल कलेमिटी आ जाती है, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। पुअर फैमिली के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजें, इसके लिए मिड डे मील स्कीम को शुरू किया गया स्कूल्स में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्ट की गई ताकि रूरल एरिया को सड़कों के साथ शहरों के साथ जोड़ा जा सके। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सिक्योरिटी एक्ट 2018 इनेक्ट किया गया ताकि वो लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको भी सोशल सिक्योरिटी हो, उनको भी सामाजिक सुरक्षा मिल सके। इन सब प्रोग्राम्स का ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली यही था कि कंट्री से पुअर पर्सन जो है उनके नंबर को कम किया जाए, पॉवर्टी को एलिवेट किया जाए। पर क्या ये प्रोग्राम उतने सफल हुए, उतने सक्सेसफुल हुए जितना गवर्नमेंट ने सोचा था या नहीं, हम इसे इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, अब हम मूल्यांकन कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं इनइफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए, हमने फर्स्ट पॉइंट में किया कि बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, लेकिन प्रॉपर ये प्रोग्राम टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। साथ ही साथ हमारी कंट्री में अच्छी मशीन्स नहीं है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी नहीं है, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम सही से लागू नहीं हो पाए और पॉवर्टी रिमूव नहीं हो पाई, मतलब डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाया जो कि हम चाहते थे। डिफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट। ये कुछ प्रोग्राम चलाए गए कि कंट्री में प्रोडक्टिव एसेट को कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी सही नहीं थी, वो भी प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हो पाए, जिसकी वजह से पॉवर्टी रिमूव नहीं हो पाई है। प्लानिंग ढंग से नहीं की गई, प्लानिंग डिफेक्टिव थी, प्रोग्राम बहुत सारे चला दिए गए लेकिन प्रोग्राम को कैसे लागू किया जाएगा, किस एरिया में, किस स्टेट में, किस कंडीशन में, एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या होंगी, इन सबको प्रॉपरली अच्छी तरह से डिस्कस नहीं किया गया। रैशनल एक क्राइटेरिया नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग सही नहीं थी और ये प्रोग्राम अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाए।
इग्नोरेंस ऑफ निग्लेक्टेड डिजेबल्ड एंड सिक पर्सन, इनमें पुअर पर्सन के ऊपर ही ध्यान दिया गया, कुछ ऐसे पर्सन जो कि सोसाइटी में निग्लेक्ट होते हैं, डिसेबल हैं या बीमार हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स फ्रेम नहीं की गई। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम चला दिए गए लेकिन उनका आपस में ही कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। एक एक पर्सन को कहीं से दो दो प्रोग्राम से फंड मिल जाता था तो किसी पर्सन को कहीं से भी नहीं मिलता था, जिससे फंड की वेस्टेज भी होने लगी। लीकेज ऑफ फंड, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए गवर्नमेंट जो प्रोग्राम चलाती है वो म्यूनिसिपल कमेटी, पंचायत, ब्लॉक समिति, कई जगह से होके फंड एक एक्चुअल बेनिफिशियरी तक पहुंचता है और इनके बीच में ही फंड की लीकेज हो जाती है। एक पर्सन को जितना अमाउंट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। अनअवेयरनेस अबाउट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और स्कीम, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम स्टार्ट करी लेकिन एक पर्सन जो कि एक्चुअल में पुअर है उन्हें इन सब स्कीम के बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो उनके लिए अप्लाई नहीं कर पाता और वो पर्सन उसका बेनिफिट नहीं ले पाता। हम अगर बात करते हैं कि पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए आप क्या सजेशन दोगे, तब सजेशन आ जाती हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ाई जाए, आर्थिक विकास की दर बढ़ाई जाए। जब आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी, इसका और वो ग्रोथ इंक्लूसिव भी हो, मतलब हर सेक्शन तक उसका बेनिफिट पहुँचना चाहिए, तब हमारी कंट्री से पॉवर्टी रिमूव हो सकती है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारी कंट्री का 46.2% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज है तो हमें अपने एग्रीकल्चर में अच्छी मशीनें यूज़ करनी चाहिए, अच्छे सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र ये सब इस्तेमाल करें ताकि हमारे स्मॉल फार्मर भी ग्रो कर सकें। इंक्रीज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड फॉर मास कंजम्पशन, हमें ऐसी गुड्स जिनकी कंजम्पशन लार्ज स्केल पर की जाती है, सारे लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे क्लॉथ, वेजिटेबल, सोप, ऑयल, शुगर, इन सब की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए ताकि इनके प्राइस कम रहें और पुअर पर्सन भी इन्हें अफोर्ड कर सके। स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल स्टेबल होने चाहिए कंट्री में ताकि पुअर पर्सन के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, पॉपुलेशन कम होगी तो अल्टीमेटली पॉवर्टी अपने आप खत्म हो जाएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और हर स्कीम या प्रोग्राम का फायदा भी उन तक पहुंचेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उनकी इनकम का लेवल इंक्रीज होगा और पॉवर्टी रिमूव हो जाएगी। प्रोडक्शन की टेक्निक हम चेंज करें, अगर हमारी कंट्री में लेबर ज़्यादा है तो हम ऐसी टेक्निक यूज़ करें जिसमें लेबर का यूज़ होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लेबर वर्क में एंगेज हो सके, एब्जॉर्ब हो सके और उनकी इनकम बढ़े और पॉवर्टी रिमूव हो जाए। इनकम और वेल्थ का जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री के अंदर, रिच ज़्यादा रिच, पुअर ज़्यादा पुअर है, गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि इस इनइक्वालिटी को रिमूव किया जाए ताकि रिच पर्सन के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगा के पुअर के लिए एक्सपेंड किया जाए ताकि पॉवर्टी रिमूव हो सके। मोर कंसेशन टू बैकवर्ड एरिया, जो पिछड़े हुए एरिया हैं जैसे ओडिशा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इनके लिए ज़्यादा स्कीम्स चलाई जाएँ और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन एरिया के अंदर ओपन की जाएँ। इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन डिपो के ऊपर जो गुड्स प्रोवाइड की जाती हैं पीडीएस से, उनका इफेक्टिव सिस्टम होना चाहिए ताकि पॉवर्टी रिमूव हो सके और हर पर्सन को फूड ग्रेन और असेंशियल गुड्स मिल सकें। प्रोविजन फॉर मीटिंग मिनिमम नीड ऑफ द पुअर, एक पर्सन की जो मिनिमम नीड है, जैसे उसे साफ पानी चाहिए, उसे मेडिकल केयर चाहिए, फूड चाहिए, गवर्नमेंट को एक पर्सन की इस फैसिलिटीज़ को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पुअर, पुअर पर्सन ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, उनके अंदर स्किल हो, काम करने का कुछ कौशल हो ताकि वो पर्सन अपना उनके अंदर एक हुनर हो, वो काम करे, प्रोडक्टिव हो और अर्न कर सके, पैसा कमा सके। सोसाइटी का आउटलुक चेंज करना चाहिए, लोगों जो मैरिजेस के ऊपर, बर्थ के ऊपर, डेथ के ऊपर, किसी कस्टम के ऊपर इतने पैसे वेस्ट करते हैं उनको बचाना चाहिए और पुअर सेक्शन जो हमारी सोसाइटी का है उसके ऊपर उन्हें खर्च करना चाहिए। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गवर्नमेंट जितने पॉवर्टी एलिवेट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाए उनको अच्छी तरह से लागू करने की ज़रूरत है ताकि हर पुअर और नीडी पर्सन की हेल्प हो सके। स्पेशल स्कीम रूरल डेवलपमेंट के लिए चलाई जाने चाहिए ताकि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट अवेन्यूज, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके और लोग जो हैं वो पॉवर्टी से बाहर आ सकें। थैंक यू सो मच।